जरा ठहर जा तू। क्या है पांडू, उधर घर में कोई नहीं है और तुझे ठहर जा की पड़ी है। हाँ। जाएगी किसी तरह से मार खा गया। जाएगी मार खाएगी। मुझे मत मार। अरे मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला, मंगला का बच्चा होने वाला। घर में कोई नहीं है, ना भाभी है, ना भैया है, बस ना और कुछ भी है और कोई नहीं है। मंगला का बच्चा होने वाला। अरे तो मंगला के बच्चा होने वाला तो मैं क्या करूं बाबा? मुझे क्या मालूम, तू जान। तो खड़ी खड़ी मुंह क्या देखती है, चल ना फिर। किया मैंने क्या? अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं पिताजी, बछड़ा मंगला ने दिया है। और भैया आज ही बेचारा शंकर हमारा हाथ न बटा था तो न जाने क्या होता। होता क्या? अरे गाय को बछड़ा ही तो होता, कोई बंदर थोड़ी हो जाता। शंकर तुमने बड़ा अच्छा काम किया, सच्ची बड़ा अच्छा काम किया है। ये ले। नहीं 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 नहीं, क्या करना पड़ता। तो मैं जाता हूँ। जा, चल अंधा कहीं का। हाय राम बछड़ा, कौन बुलाने गया था उस मनहूस को? मैंने जाने कब से बच्ची के रो रही हूँ और ये ले आया बछड़ा, बोल कौन बुलाने गया था उस मनहूस को? माँ माँ मैं बुलाने गई थी शंकर को। वो बुलाने गई थी? हाँ माँ। हाँ नहीं भाभी, शंकर को मैं बुलाने गई थी। मेरा पहले ही माथा थुनक रहा था, मैंने कितनी बात उसे मना किया उस बदमाश के घर न जाया कर। कल मुही मगर तुझे थोड़ी मानेगी, नहीं मानेगी, बोल क्यों गई थी? छोड़ो माँ, उसको मत मारो माँ। छोड़ दे। हम सुना तुम बहुत अच्छा खिलौना बनाता है। हाँ तो अच्छा तो बनाता ही है, अच्छा नहीं है? बहुत दूर से आया खिलौना लेने। जी सर, हम बहुत दूर से आया खिलौना लेने। आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। आप हमारा खिलौना लेने आए? हाँ। तो लो साहब, आपको जो चाहिए देखिए, जो आपको पसंद है मांगता है, आप भी लीजिए। हाँ ये देगा सर, ये भी देगा, ये पर मांगता है, ये भी दे देगा सर। इधर इसको ये देखिए, ये बहुत अच्छा है। जो नहीं ये निशा देता है। नहीं नहीं देखो, तुम बताओ ये खिलौने का तुम कितना पैसा लेगा? अरे साहब अभी आप जो लेगा हम ले लेगा, हमारा क्या? देखो ऐसा बात नहीं करना, देखो हम तुमको 10 रुपए से जाती नहीं देगा। 10 रुपए देगा? हाँ सारा 5 रुपए लगा नहीं को दू। ये मल्ली नोट ले जाती रानी पे, नहीं साइड पाओ तो आज से बोलो, नहीं तो तुमको खिलौना नहीं मिलेगा, हमको पैसा नहीं मिलेगा, सब मामला गड़बड़ हो जाएगा। पैसा देगा? हाँ देगा ना, पैसा देगा तो निकालो निकालो। 1 रुपया, 1 रुपया, 5 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 र
देखो गिरेगा गिरेगा। नहीं नहीं अच्छा नमस्ते 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 काम नमस्ते शंकर बेटे ला पैसे ला, मैं बाजार जाऊंगी खाने पीने की कुछ चीजें खरीद लाऊंगी। पर तेरी तबीयत भी ठीक नहीं है माँ, तू क्या करेगी? मैं खुद ही जाके सब ले आता हूँ। मैं जानती हूँ,
तू कहाँ जाएगा, पैसे कहाँ जाएंगे, लो मैं ले आती। अच्छा देख, अगर आधे घंटे में मैं सब चीजें लेकर वापस ना आ गया ना, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा। बस चोर की सजा देनी होती बेटे, सबकी दे चुकी होती। क्या क्या मतलब क्या? तो छोड़ ना इन बातों को, लो पैसे दे दे। हाँ। अच्छा देख, तो एक काम करती है, ये 2 रुपए तू ले ले, बाकी के पैसों से सब चीजें मैं अभी लेके आता हूँ। पटान जाऊंगा मैं एकदम जल्दी। तो नकदी नकदी का हिसाब पसंद करती हूँ। तो ये तू थी जो बातें सुन रही थी हमारी, हैं? 8 रुपए 8 आने। देख पा रही, ये दुनिया जो है ये 4 दिनों की माया है, इसमें पैसे का इतना लोभ अच्छा नहीं है। पैसा है तो सब कुछ है शंकर, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, तू भी नहीं है। 8 रुपए 8 आने ये कोई शराफत नहीं है। अरे चोर से काहे की शराफत, 8 रुपए 8 आने। देख पा रो, दुनिया मुझ पर भरोसा नहीं करती ना, मैं कहता हूँ ठीक है कोई परवाह नहीं जाने दो। तेरी भाभी मुझको कितना बुरा भला कहती है, मैं कहता हूँ ये भी चलता है, लेकिन जब तू मुझको चोर कहती है ना और इतने से पैसों का मुझ पर भरोसा नहीं करती, तो मेरा दिल टूट जाता है। आपके लक्षण ही जो ऐसे हैं तो उसको कोई क्या करे। पारो बुआ, बनारस से कोई मेहमान आए हैं, पिताजी ने तुम्हें घर बुलाया है। बनारस से मेहमान? चुप रहो जी, तुम्हारी वजह से आज सुबह पारो बुआ को मार पड़ी, और फिर तुम यहाँ थम क्यों? मेरी वजह से मार पड़ी? हाँ हाँ, पूछ लो उससे। क्यों पारो? पारो बुआ, जितनी जल्दी चलोगे उतना ही अच्छा होगा। देखिए वो आपकी मौसी थी ना, वो आपके नाम एक वसीयत कर गई हैं। ये सुनकर आपको बड़ी खुशी होगी कि वो अपना सब कुछ आप और आप ही के खानदान के लिए छोड़ गई हैं। क्या कुछ छोड़ गई है हमारी मौसी? हाँ, बेसब्री से काम न लीजिए श्रीमती जी, अभी आपको सब मालूम हो जाएगा। पार्वती कहाँ है? आ रही है पिताजी। ये मेरी बेटी है और पार्वती मेरी बहन है, सौतेली बहन, मेरा मतलब बाप एक और माए दो, यानी माए अलग अलग। अब बता भी दो कितना पैसा छोड़ गई है मौसी जी। बताता हूँ। बता भी दो यार और खत्म करो। तुम क्या जानो जी कितना खतरा है एकदम बता देने में, रकम मोटी है और ये लोग छोटे हैं, मेरा मतलब है बहुत गरीब हैं। अचानक इतना पैसा मिल जाने से मैंने लोगों को मरते हुए देखा है, समझे? हमें ये खबर धीरे धीरे सुनाना चाहिए। हाँ तो जगत बाबू एक बात तो बताइए, अगर कहीं आपको 5,000 रुपए मिल जाए तब आप क्या करें? 5,000? भैया थोड़ी जमीन खरीद लूं और उसमें धान बो दूं और एक जोड़ी नागौरी बैलों की ले लूं। और अगर कहीं 10,000 मिल जाए तो? बाबूजी 10,000? भैया जब तक तो नया मकान भी बनवा लूं, अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लूं पुष्पा और पारो के लिए, पुष्पा की माँ के लिए भी ले लूं। 15,000 हो तो? बाबूजी 15,000? 15,000? भैया जब तो मैं पुष्पा और पारो को पढ़ाई न दूं, इन्हें वो सब कुछ सिखाई न दूं जो एक शरीफ घर की लड़कियों को आना चाहिए, शहर के अच्छे से अच्छे लड़के के पास शादी न कर दूं इनकी। 20,000 के बारे में क्या ख्याल है आपका? तो भैया आधा मैं तुम्हें दे दूंगा। जुल्म किया आपने, आपको ये खबर धीरे धीरे सुनानी चाहिए थी। लेकिन सब रुपया है कितना? 1,00,000। पुष्पा की माँ। अरे भैया ये बुढ़िया है ना, अपने पोते को मीरपुर के मेले में ले गई, वहाँ पे जाकर के इसने हेजा लगा करके लाई और हेजे में उसका छोकरा मर गया, अब निकालती है कि नहीं करने से बाहर। क्या शंकर? हाँ? देखो उस बुढ़िया का पोता है जैसे मर गया है और ये लोग उसे छोटे तक नहीं, उस बेचारी का कोई है नहीं ना, इसलिए सब टूट पड़े।
नहीं तो मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर शंकर भैया हनुमान से तबियत खुश हो गई जब गंगा सिंह कहने लगा कि राजा किसी में हिम्मत होता हजार में ना भैया मेरे पांच बैठक रघुनाथ अरे रघुनाथ मर गया क्या अरे शंकर क्या बात है रे बात बात कुछ नहीं है करता रे देख शंकर उस दिन तुमने क्या वादा किया था भूल गए थे गलती देख मुझे तेरा वखान वखान नहीं सुनना देता है कि नहीं अरे क्या हुआ पागल हो गया है मैं पागल नहीं हो गया हूँ तेरी दुनिया पागल हो गई है पागल हो गया उस बुढ़िया बिचारी का पोता चल बसा और उसका घर जला के राख कर दिया और लोग तुझे खुशियों से नाच रहे थे और तू कहता कि मैं होश की बातें करूं इस दुनिया में रघुनाथ जी लोग अच्छाई की बातें ही करते अच्छे बनते नहीं है दीजिए सूरज कहाँ से निकला है राजा अबे भूसा क्या है देना देख शंकर आज सुबह तेरी माँ यहाँ आई थी हाँ और कह रही थी तू संदूक तोड़ कर संगम निकाल लाया है वहां से तूने उसे बता दिया कि मैं यहाँ देखते आऊँ नहीं लेकिन ये कंगन मैं अपने पास रखकर अपने आप को कितना पापी समझता है उसे वापिस कर दे इसके बदले मैं तुझसे कुछ नहीं मांगूंगा शंकर मगर एक बात का वादा कर यहां से तो शराब पीना बिल्कुल छोड़ देगा समझता क्या मैं एक मंगा समझता मैं ये कंगन तुझे तब वापस लूंगा जब तेरी एक पाई चुका दूंगा समझा ले ले अपने पैसे सब कुछ नहीं मिलेगा मैं दुकान बढ़ा रहा हूँ दुकान बढ़ा रहा हाँ अबे अभी तेरे ग्राहक प्यासे बैठे तू दुकान बढ़ा रहा बस बस शंकर अब तू बहुत पी चुका है जा अब तू घर चला गया अरे लाश ही जाएगी एक रोज यहाँ से जाके हम तो क्या जाएंगे उठकर तेरे मखाने से ला 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 तू चाहे अपने आप को मार डाल मेरी बला से तू अपने ही शरीर का सत्यानाश करेगा अरे यही तो बात है रे गुरु तू शरीर से परे देख ही नहीं सकता अरे बुद्धू इंसान के जिस्म में एक रूह है जो उसे ऊपर बादलों से भी ऊपर ले जाती है जहां लोग गरीबी और तकलीफ से कराहते नहीं है रघु और जहां ऐसे मालूम होता है कि तू कोई मामूली आदमी नहीं है तू कोई बहुत बड़ा मगर तेरे पांव इस धरती पर गड़े हुए शंकर तू बादलों में नहीं रह सकता बादलों में नहीं रह सकता मगर जब वहां से वापस आता हूं ना रघु तो फिर मुझे ये दुनिया इतनी बुरी नहीं लगती फिर जब मैं किसी लकड़ी के टुकड़े या किसी मिट्टी के लोहे को लेके बैठता हूं रघु तो मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मैं उसमें जान डाल सकता हूं उसे एक ऐसा शरीर दे सकता हूं रघु जिसकी रग रग में खाल ढावा खून दौड़ा और इसके बगैर मुझे ऐसे मालूम होता जैसे मैं एक बिल्कुल बेकार फजूल आदमी हूं तेरी तरफ के तू सचमुच पागल हो गया है शंकर हा? एक दिन आएगा जब तुझे इस बात का पता चलेगा पर जब बहुत क्यों बे तू जानता है आदमी का सबसे बड़ा दोस्त कौन है कुत्ता है कुत्ता चल बाबा
की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहाँ गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, तुम बहारों से क्या फायदा, जिसने दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया, मेरे दिल कहीं और चल। चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चला, चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, फिर के मुंह कोई चल दिया, लुट रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आसमान, मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया, मेरे दिल कहीं और चल। इधर को जाता है, इसमें जान का रास्ता इधर नहीं है, इधर को है भाई, अंधे हो तुम भाई, रास्ता सीधा है, दोनों गलत, तू सो जाएगा, अच्छा सोचता है तो मुर्दे को उतार दे भाई, हवा करना है पांडू, हवा करना इधर है इसको, भाई बैठ के सोच, मेरा ख्याल है कि इधर है भैया, इधर ही है, अरे तू मानदारी बाप, मैं मेरा बाप को इधर ले गया था, मैं इधर तो कहता है कि इधर नहीं है, अरे इधर कौन मर गया? जगत भैया, जगत भैया अपना शंकर मर गए, शंकर अपना मर गए, शंकर मर गया, कब कैसे? जगत भैया ये लंबे चौड़ी बात बाद में पूछना है, पहले ये बताओ कि स्मशान का रास्ता किधर को, ये अपना पीरा कहता है कि इधर को है, और जो हीरा जो है ना ये कहता है कि इधर को है, मगर हीरा कहता है कि इधर को है, अब जगत भैया तुम बताओ किधर को है, स्मशान किधर है सो हम जानते हैं, मगर हम किसी को बता नहीं सकते, क्योंकि हम तो बेचारे मर गए हैं। बेकार बेहुदा कहीं का, पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, भागो भागो तुम, भागो भागो नहीं खोपड़ी बराबर कर, भाग भाग गया, उठ 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 जल्दी, उठता हूँ जल्दी भैया, उठता हूँ, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं जा हीरे के बच्चे जा, हीरे तू किधर गया? बेकार बेहुदा कहीं का, पी पी कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा, भागो भागो तुम, भागो भागो नहीं खोपड़ी बराबर कर, भाग भाग गया, उठ 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 जल्दी, उठता हूँ जल्दी भैया, उठता हूँ, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं जा हीरे के बच्चे जा, हीरे तू किधर गया?
मैं तेरी माँ हूँ रे। माँ 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 तू जानती है इस दुनिया में माँ से बड़ा कोई नहीं है। माँ माँ इस दुनिया में माँ के सिवा कुछ ही नहीं है। शंकर माँ तूने आज फिर पी ली। तूने वादा किया था ना शंकर कि माँ फिर नहीं पीऊंगा। वादा क्या था? जरा भी कभी अपना वादा पूरा करते हैं माँ? चल बेटा तेरा खाना ठंडा। नहीं मुझको भूख नहीं लगी है। मुझको प्यास जरूर लगी है माँ। वो बाकी के पैसे दे दे मुझको। पैसे पैसे कहाँ है बेटा? पैसे तो मैंने दे दिए उस बुढ़िया को। तू बुढ़िया को दे दिए पैसे? वो जिसका पोता मर गया था वो बुढ़िया उसको दे दिए बेटा। उसको दे दिए माँ? माँ तू बहुत अच्छी है। तू बहुत अच्छी है माँ। तेरे जैसी माँ दुनिया में कहीं नहीं है माँ। कहीं नहीं है। और मैं एक बात कहूँ बेटा, तेरे जैसा लाल भी दुनिया में किसी का ना होगा। कितना अच्छा है शंकर, कितना खरा है, कितना प्यारा है। तू झूठ बोलती है। तू भूल जाओगी इतना दिमाग सब जा गया है। तू तो शर्मिया की मुझको अच्छा कह दू है। मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं खरा भी नहीं हूँ, मैं प्यारा भी नहीं हूँ। मैं बेहूदा हूँ एकदम। शराब पी बिल्कुल रोज शराब पीता हूँ। रोज शराब पीता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा रोज शराब। हमारे नए घर की मम्मी थे तू आएगा ना? अरे बाबा हम गरीब लोग हैं, हमको कौन बुलाता है? मैं तो बुलाने आई। तू होती कौन है? पैसा तो जगत नारायण की गांठ से लगा और न्योता देने ही आ गई। शंकर वो काम में होंगे। शंकर तू आ गई है सजेस्ट दिखाने मुझको। नया मकान बनाया बड़े शान की बात है। तूने अच्छे कपड़े पहन रखे ये भी बड़े शान की बात है। जब शंकर मुझसे ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं करो नहीं तो मैं चली जाऊंगी। हाँ घर पहुँच के एक चिट्ठी जरूर लिख देना मुझको। तू जलता है। ये क्या इन्हें उतार उतार के क्यों फेंक रही हो? अच्छे नहीं लगते, आदत नहीं है ना। बुआ तुम रो रही हो, शंकर से मिलने गई थी, मुझे क्या पड़ी है उससे मिलने की। अच्छी बात है तो मैं भी ये सब उतारे देती हूँ। नहीं पुष्पी ऐसा ना कर, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दे। मेरे लिए तू अपनी खुशी क्यों खराब करती है? मेरी खुशी को अपनी खुशी से अलग समझती हो?
नहीं दे, ले मैं नहीं, तो फिर चल। तुम यहाँ बैठो, मैं पानी लाती हूँ। यही मकान है ना? जी हाँ। ए, सुनो तो, ये लाला जगत नारायण का मकान है ना? हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ लाला जगत नारायण। आप कौन? नमस्ते, मैं हूँ श्याम सुंदर। मेरी चिट्ठी आपको मिली होगी। आप हैं? आइए आइए बैठिए। आप तो भीग गए, बाहर क्या बारिश हो रही है? जी, ये बारिश आसमान से नहीं, छत से हुई। छत से? समझा। पुष्पा, पारो, जल्दी नीचे आओ। अरे कहां मर गई तुम दोनों? पुष्पा, क्या है पिताजी? इन पर पानी तूने फेंका है? मैं पूछता हूँ, किसने फेंका है पानी? मुझे क्या मालूम था, ये नीचे खड़े हैं। तो तूने फेंका? कोई बात नहीं, ये तो भी सूख जाएंगे। ये मेरी लड़की है पुष्पा, और पारो मेरी बहन है, दोनों एक ही उम्र की हैं। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं, नमस्ते करो। नमस्ते। ये तुमने क्यों नहीं पहने? काटते हैं ना एड़ियों पर। ये दोनों एकदम जंगली है, बिल्कुल जंगली है, और आपको इन्हें पढ़ाना होगा, सलीका सिखाना होगा, वरना ये ऐसी फुहड़ और गंवार रही तो कोई भी शरीफ लड़का इनके साथ शादी नहीं करेगा। जी पिताजी, मास्टर जी के लिए नए कपड़े ले आओ। नहीं नहीं, आप फिक्र न कीजिए, मेरे पास कपड़े मौजूद हैं, मैं बदल लूंगा। बिल्कुल ठीक। पुष्पा, मास्टर जी को इनका घर दिखा दो। चलिए जाओ, चलिए ना। जाओ जाओ। आया ये कैसा जमाना, देखो आया ये कैसा जमाना।
की दारी देखी और अंधों की ठकुराई देखे बगला भगत हजारों गुप चुप करे सफाई मांगे भीख करोड़ी मर्जी अरे मांगे भीख करोड़ी मर्जी दमड़ी लाल धनवाना रे देखो आया ये कैसा जमाना देखो आया ये कैसा जमाना ओ देखो आया ये कैसा जमाना देखो आया ये कैसा जमाना जमाना हो 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 आया ये कैसा जमाना देखो आया ये कैसा जमाना सब कुदरत का खेल है भाई कह गए दास कबीर रोज बदलती है ये दुनिया और बदले हर तकदीर जिसकी नजर कभी न बदले अरे जिसकी नजर कभी न बदले लाखों में वही से आला रे देखो आया ये कैसा जमाना 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 जमाना हो 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 आया ये कैसा जमाना देखो आया ये कैसा जमाना ये दुनिया अजायब खाना रे देखो आया ये कैसा जमाना क्या लाए मिठाई बैठ जा ठीक है मुहूर्त हो गया हम्म कौन कौन आया था सभी आए थे एक नहीं था तो तू मेरे होने न होने से क्या होता है पारो घर कैसा है बहुत अच्छा है शंकर अरे इतना ऊंचा है शंकर कि देख के डर लगता है और ऊपर के कमरों में इतनी बहुत सी खिड़कियां हैं शंकर मैंने एक खिड़की खोली अरे बाप रे इतनी जोर से हवा आई कि मेरा दम घुटने लगा शंकर तू भी एक इतना अच्छा मकान बनवा क्यों ये मकान अच्छा नहीं है क्या अच्छा है मेरा मतलब मैं कोई साहूकार नहीं हूँ समझी और तेरे भाई की तरह मेरी भी कोई मौसी नहीं मर गई है जो मुझे बहुत धन दौलत छोड़ गई लो मैं क्या बात कर रही थी और तू खींच कर कहां ले गया मैं खींच के ले गया नहीं तो क्या मैं खींच कर ले गई तो फिर क्यों बार बार यहाँ भटकती हुई आप पहुंचती है बड़ा अच्छा मकान है बड़ा सुंदर है बड़ा ऊंचा है 50,000 खिड़कियां उसमें। तू अपने आप को समझता क्या है एक तो तेरे लिए मिठाई लाऊं दूसरे तेरे पांव पड़ूं और तू है कि माँ के आते की तरह इठा ही जाता है अरे मुझ जैसा कोई है नहीं इस गांव में और अगर यकीन नहीं आता तो जाके मेरी माँ से पूछ ले तुझ जैसा की मैं क्या परवाह करता हूँ चोट तो नहीं आई तुम्हें ऐसे क्यों अरे कुछ तो होगा जब ही तो पूछने आया हूँ तुझसे झूठ पत्थर के आदमी तो कभी कुछ नहीं देख पारो दिन भर मेरा जी चाहता है कि तुझसे अच्छी अच्छी बातें करूं मगर न जाने जब भी तू सामने आ जाती है मेरे मुंह से कुछ जली कटी निकलती अब मैं क्या अच्छा तू एक काम कर क्या एक छुरी ले आ और ये जबान काट डाल अरे ये दिल की बातें ही सुनने पे चली आती हूँ ईसा से 327 वर्ष पहले सिकंदर ने खैबर की घाटी में होकर पंजाब में प्रवेश किया पंजाब के पश्चिमी भाग में इस समय दो राज्य थे एक तो तक्षशिला और दूसरा पुरुराज तक्षशिला के राजा ने सिकंदर का स्वागत किया और उसको अपना सम्राट मान लिया तो राजा पुरु ने यूनानियों से खूब लोहा लिया वो 30,000 पैदल 4,000 सवार 300 रथ और 200 हाथी लेकर जहलम नदी के किनारे आ डटा
घमासान युद्ध के बाद पुरु की हार हुई, बहुत से योद्धा घायल हुए और मारे। पुरु बड़े डील डोल वाला वीर योद्धा था, उसके 9 घाव लगे, परंतु तो भी उसने लड़ाई के मैदान से भागने की कोशिश नहीं की। जब सिपाही उससे पकड़कर सिकंदर के सामने ले गए तो उससे पूछा गया कि तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। वीर पुरु ने शीघ्र उत्तर दिया कि जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। मिस पार्वती, मिस पार्वती जी, आप सुन रही हैं? जी हाँ, सुन रही हूँ। क्या सुन रही हैं? जो आप कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा था? आप कह रहे थे हाँ, मास्टर जी जो कुछ कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, लेकिन मास्टर जी मैं एक दूसरी बात कहती हूँ। बड़ा ही खराब आदमी था आपका सिकंदर। हाँ, हमारे देश पे हमला बोल दिया। देखिए मिस पुष्पा, पुराने जमाने के बादशाह थे ही बड़े लड़ाके, देश देश फतह करना ही उनका काम था और उनकी शान। तब तो वो सब के सब खराब थे। वो कैसे? देखिए मास्टर जी, मेरा घर हो एक, जब भी मैं उठ के आपके घर पर कब्जा कर लूं तो फिर मैं खराब नहीं? कहिए मास्टर जी, क्या तरक्की की हमारी बच्चियों ने? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है लाला जी, क्या 6 महीने से मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सका। वजह यह है, ये लड़कियां ठीक तरह से बैठती नहीं, पढ़ने में ध्यान ही नहीं देती, किसी चीज में दिलचस्पी ही नहीं लेती। लो, ये भी हमारा ही दोष ठहरा। आपको तो कुछ आता नहीं, सवालों का जवाब ठीक देते नहीं और कसूर हमारा बताते हैं। लाला जी, मैं गरीब जरूर, लेकिन मैं आपसे बेईमानी नहीं करना चाहता। आप इनके लिए कोई दूसरा मास्टर ढूंढ लीजिए। नमस्ते। कितनी बेहूदी हो तुम दोनों, देखते देखते एक पढ़े लिखे ईमानदार आदमी की बेइज्जती करती। शर्म आती मुझे तुम्हारे नाम पर। पारो बुआ, बहुत बुरा हुआ। बुआ तो मास्टर जी को रोकना चाहिए। अरे जाने देना, कोई दूसरा मास्टर आ जाएगा। नहीं बुआ। तो जल्दी जाकर रोक ले, नहीं तो चला जाएगा। तुम भी चलो ना। अरे जा जा जाना, नहीं तो चला जाएगा। मास्टर जी जरा इधर देखिए ना। जी फरमाइए। क्या आप सच मुझे जा रहे हैं? जी हाँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है आपके पिताजी आपके लिए दूसरा मास्टर ढूंढ लेंगे। ये नहीं हो सकता। वो क्यों? क्या पता, नया मास्टर आपसे भी बुरा। हाँ, नाराज ना होइए, नाराज ना होइए। मेरा मतलब ये है कि आप कैसे कह सकते हैं कि नया मास्टर आपसे भी बुरा नहीं होगा? कह सकते हैं आप? मास्टर जी आप बड़े ही हठीले आदमी हैं, बड़े ही गुस्से। मिस पुष्पा, मुझे जिंदगी भर कभी गुस्सा नहीं आया। अच्छा हुआ, तो फिर आप जा क्यों रहे हैं? मैंने कोई गलत बात थोड़ी कही थी। जी नहीं, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और ना कुछ किया भी, सिर्फ अपने पिताजी के सामने मेरी थोड़ी सी बेइज्जती की। मुझे माफ कर दीजिए। मिस पुष्पा, ऐसा ना कीजिए, परमात्मा के लिए उठिए। कहाँ गई थी? कहीं नहीं भाभी, मास्टर जी के यहाँ गए थे। मास्टर जी के यहाँ? मास्टर जी हमसे खफा थे ना भाभी, उन्हें जरा मनाने के लिए गए थे। भाभी भाभी तुम्हें एक मजे की बात सुनाऊं। अपनी पुष्पी है ना, पुष्पी वो 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 मास्टर जी को बहुत पसंद करती है भाभी। बेशरम बेहया, दूर हो जा मेरी बात तो। मैं तो नहीं जा रहा हूँ। मास्टर जी को पुष्पी पसंद करती है, बेहया। सुनते हो? भागो, कहीं से जाकर तू लड़के ले आओ। दो लड़के लाओ? हाँ। कहाँ से? कहीं से भी, जहन्नम से। पर काहे को? इन दो बेकार बेहुदा छोकरियों के लिए मैं इनका ब्याह करके फौरन को चलता करना चाहती हूँ। मगर मैं पूछता हूँ कितनी जल्दी भी क्या है? ये बंद करो अपनी अगर मगर, जल्दी जाओ तो लड़के लेकर वापस आओ। जाओ, जाते क्यों नहीं? पुष्पा की माँ,
घबराना नहीं है, क्योंकि मैं तो घर आता हूँ। ये रहे दो लड़के, तुम्हारी जल्दी में यही दो मिल सके हैं। निकल जाओ यहाँ से। भागो। अच्छा नहीं है बेटी, आज मुझे फिर दिल का दौरा पड़ा है। और शंकर कहाँ है? अरे ये पिटारी खाली, चाची शंकर नाम की एक चूड़ी रह गई थी, वो भी शंकर ले गए हैं वैसे दवाई लाने के लिए। अब मैं लाख कहती रही, अब मेरा इलाज करना बेकार है, अब मेरे दिन पूरे हो चुके हैं, मगर शंकर चाची ऐसा ना कहो, चाची ऐसा ना कहो, तुम बिल्कुल अच्छी हो जाओगी, बिल्कुल अच्छी हो जाओगी। जान है तो जहान है चाची, तुम दिल छोटा ना करो, भगवान ने चाहा तो सब कुछ फिर से बन जाएगा मेरी चाची। अरे गोल गोल क्या घुमा रहे हो, सोने की है, दिखता नहीं है क्या? पर शंकर हाँ? जो 200 रुपए तुमने पहले ले रखे हैं उन्हें कब लौटाओगे? मैं तेरे को 3 साल हो चुके हैं, और बात यह है कि तुम कहना क्या चाहते हो ये बताओ। मैं कहने जा रहा था कि वो तुम्हारा जो झोपड़ा है ना, और वो जमीन का छोटा सा टुकड़ा कर्जे के सिलसिले में उन्हें गिरवी रख दो ना। अरे वो सब देखा जाएगा, तुम इसके पहले तो पैसे दो। भाई मैंने सब कागज तैयार रखे, देखो सिर्फ तुम्हारे दस्तखत की जरूरत है। ये देखो, सिर्फ इस लकीर के ऊपर थोड़ा सा हाथ मार दो बस। बड़े नंबरी ठगो यार तुम। ये तो सब व्यवहार की बात है, और घबराने की कोई बात नहीं, जब तुम्हारे पास पैसे आए तो कर्जा चुका देना, समझे? भाई तुम्हारा नुकसान पहुंचाने में हमारा थोड़ा ही कोई फायदा है। अरे तुम बड़े दया के अवतार हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। अब बातें सुनाओगे या पैसे भी दोगे? वाह पैसे नहीं दूंगा, ये कैसे होगा? ये लो पैसे, ये देखो ये 10, ये देखो ये 20, ये बीच में से फटा भैया, ये देखो ये 30, कहाँ 20 हुए? 20 देख शंकर, आज तुझे शराब का एक कतरा भी नहीं मिलेगा। मेरे पास तो शराब का एक कतरा भी नहीं है बेचने के लिए। आपको यह खबर सुनकर ताज्जुब होगा रघुनाथ जी कि मैंने शराब बिल्कुल छोड़ दी है। अच्छा? हाँ, और यही खबर थी जो आज आपको सुबह सुबह सुनाने चला। अरे वाह मेरे दोस्त, क्या कहने हैं तेरे। अब तो खुश है ना? अरे बहुत खुश, बहुत खुश, वरना कसम भगवान की आज तो मैं ये तय कर बैठा था कि तेरे पास शराब का एक कतरा भी नहीं बेचा। हाँ रघु, हाँ झूठ बोलना भी बड़े अटकल की बात होती है दोस्त, हर कोई उसे नहीं निभा सकता। देख शंकर, मैंने तुझसे कह दिया ना कि शराब का एक कतरा भी नहीं है मेरे पास। देख रघु, तूने मुझे यह भी कहा कि मेरे पास है मगर दूंगा नहीं। शंकर दे दे दोस्त, अभी तो रात भी नहीं ढली शंकर, अभी तो सुबह ही है। अरे सुबह के वक्त इसकी जरूरत होती है जाने में, रात के वक्त ये शराब होती है मगर दिन के वक्त दवा होती है रघु। शंकर चल भाग यहाँ से। भैया एक छटाक पिला देना। जाएगा या मार खाएगा? जाता हूँ भैया, मारना नहीं। 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 हीरा भैया, तू मेरा भाई है हीरा। तू भी मेरा भाई है भैया। हीरा हाँ भाई, तू मेरा दोस्त भी है। तू भी मेरा दोस्त है भैया। वो कौन सा गाना है वो भैया? जिया बरकरार।
दिया बेकरार है साहिबा। अबे देख के चल, दिया बेकरार है साहिबा। मुझे तो आदत पड़ गई है बेटी, रोज रात चौखट में आंखें लगाए बैठी रहती हूँ, रात दिन यही धड़का लगा रहता है कि वो आज आएगा या नहीं आएगा, और फिर कभी एक रोज ऐसा भी आएगा कि वो फिर कभी नहीं आएगा। चाची, ये कैसी बातें कर रही हो? सच बात मुझसे निकल ही जाती है बेटी, चाहे लाख दबाने की कोशिश करो, किसी माँ से पूछो जिसका बेटा ऐसा हो, किसी पत्नी से पूछो जिसका पति ऐसा हो, सब मेरी ही जैसा कहेंगे, सब यही टुकड़ा रहेंगे। तू घर जा, तू घर जा, बहुत देर हो गई। जा रानी। चाची, क्या शराबी जानता है कि वो शराब पीकर कैसा लगता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है और कैसे बातें करता है? टूट गई माँ, दवाई की शीशी टूट गई माँ। तू गाय को घूर घूर के देखती है मेरी तरफ, दवाई तेरी थोड़ी थी, मेरी माँ की दवाई थी, तेरी दवाई थी ना माँ, फिर ये क्यों घूर घूर के मेरी तरफ देखती है? मैं तेरे लिए दूसरी दवाई ला दूंगा माँ, तू घबरा नहीं। हाँ, मैं तेरे लिए दूसरी दवाई लाऊंगा, मैं संभाल के लाऊंगा एकदम, मैं माँ संभाल के लाऊंगा, मैं फेंकूंगा नहीं वहां से। कल से शंकर शराब नहीं पिएगा, वो कल से शराब नहीं पिएगा चाची, मैं उससे ये जहर छुड़वा कर लूंगी। तुम कल खुद अपनी शक्ल अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी शक्ल खुद कल अपनी आंखों से देख लोगे, तुम अपने आप पर थूकोगे, तुम उस पर थूकोगे, तुम अपने आप पर। मैं कहता हूँ तूने पी रखी है। तू होता कौन है? मैं पी रखी। मैं तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ये सब क्यों किया तूने? मैं मरी बाबा, मैं मरी। तू कौन होता है मुझसे उल्टा सीधे सवाल करने वाला? मैं शंकर हूँ, जानती है? मैं शंकर हूँ, मैं शंकर हूँ। शंकर, ओ शंकर, जो मिट्टी के बहुदा से खिलौने बनाता है और दिन भर शराब में डूबा रहता है,
अच्छा लड़का है, लड़का अच्छा बहुत अच्छा लड़का है। अब हम दोनों बिल्कुल एक हो गए, बिल्कुल हम दोनों एक ही चीज में है ना। ऐसा करने से पहले तो जो मौत क्यों नहीं आती, जा चली जाए यहां से, फिर ये काला मुंह लेकर मेरे सामने कभी मत आना। शंकर कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाएगा। काश तेरे जैसे बेटी मुझे एक होती। हूँ तो नहीं क्या? तूने जो आज मेरे बेटे के लिए किया है दुनिया में कोई नहीं करता। देखो चाची, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा अच्छा, अब फिर ऐसी बातें नहीं करूंगी। अच्छा चाची, अब मैं घर जाऊंगी, घर वाले सोच रहे होंगे मैं ना जाने कहां चली गई। हम तुम दोनों एक हैं, हम तुम दोनों एक हैं। माँ आज हम सब मिलके पिएंगे, हम सब मिलके पिएंगे, मिलके। पारो तू इस बुढ़िया को समझा देना। पारो हाँ बोतल तोड़ दी है ना, तूने मेरी बोतल तोड़ दी, तूने मेरी बोतल तोड़ दी, तूने मेरी बोतल तोड़ दी, बोतल तोड़ दी। मार, मार मुझे, मारने आया तो ना, मार दे, जा मार, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार मुझे, मार तो कराने तो पहले ढेर क्यों ना हो गया, रात तक क्यों ना खा गया तुझे, तुम मर क्यों ना गया, 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 तुम मर जाता तो अच्छा होता। ये
तूने आज सुबह पारो को नहीं देखा था माँ? तूने आज सुबह पारो को नहीं देखा था? शंकर, उसने तुझे सुधारने के लिए ये ढोंग रचा था, उसने तेरे कलंक को दूर करने के लिए सब कुछ किया था शंकर। उस लड़की के लिए भाग जो तेरे नाम की माला जपती रहती है, मुड़ मुड़ कर उन्हीं हाथों को धुला देती है जो उसका खून बहाते। शंकर, शंकर, मुझे अपने हाथों से मारना, मारना, मगर मुझे इतना दुख न दे मेरे लाल, मेरे लाल, मुझे इतना दुख न दे शंकर। रीत ये कैसी बोल रे दुनिया, रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रे दुनिया मन का हीरा रोवे, कोई न पूछे मूल दुनिया, बोले दुनिया बोल। रीत ये कैसी बोल रही दुनिया, रीत ये कैसी बोल दुनिया, बोल रही दुनिया। दूब गया दिन शाम
पारो, मैं वादा करता हूँ मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा पारो। देख पारो, अब मैं यहां से कहीं बहुत दूर चला जाना चाहता हूँ, इस गांव से दूर, मां से दूर, तुमसे भी दूर पारो। शंकर, और तुम मुझे रोको भी नहीं, देखते नहीं मैं रोज बरोज गिरता ही चला जा रहा हूं। तुम लोगों से दूर जाकर मुझे पता तो चलेगा कि मैंने क्या खो दिया। फिर अगर तुम मुझे याद भी आओगी तो मैं अपने आप से कह लूंगा कि शंकर तू तो उसके लायक ही नहीं था। ठीक कहते हैं, सुनो बारो, अब मैं सुधर के ही वापस आऊंगा, अगर नहीं आ सका तो समझ लेना कि शंकर तुम्हारे योग्य ही नहीं। बंद न कीजिए, कितना अच्छा बजा रहे थे। मैं तो जाने कब से यहाँ आई। और कोई नहीं आपके साथ? आपकी तबीयत खराब थी ना, जरा देखने चली आई। मिस पुष्पा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेहरबानी करके अपने घर पर शिफ्ट हो जाइए। मैं तो आप ही आई हूँ और आप ही चली जाऊंगी, न जाने हमारी मुलाकात पे ये क्या सनीचर का साया है, जब भी आती हूँ बहस से बात शुरू होती है और झगड़े पीछा खत्म होती है। अच्छी बात है, मैं चली जाती हूँ, फिर कभी आने का नाम तक नहीं दूंगी। सुना आपने? दीदी, लाला जी तुम्हें बुला रहे हैं। आपने मुझे बुलाया है पिताजी? और नहीं तो क्या, तेरे बाप ने बुलाया? कहाँ थे तुम? मास्टर जी को देखने गई थी ना? अब मैं कभी नहीं जाऊंगी पिताजी। कभी नहीं जाऊंगी पिताजी? मैं पूछता हूँ आखिर तू गई क्यों, तुझे अकेले नहीं जाना चाहिए? हाँ आप ठीक कहते हैं, नहीं जाना चाहिए था, बड़ा खराब आदमी है वो। क्यों, क्या किया उसने? कुछ नहीं पिताजी, वो मुझे पसंद नहीं करते, उल्टे नफरत करते हैं पिताजी। क्या कहा, वो तेरे से नफरत करता है? वो मास्टर का बच्चा समझता है कि मेरी लड़की उसके काबिल नहीं, यही ना? खैर मैं उसे सबक सिखाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप भूल जाइए उसके बारे में, आप जिससे भी कहेंगे उससे शादी कर लूंगी पिताजी। मत चिल्ला बेवकूफों की तरह, तेरी शादी होगी तो उसी मास्टर के साथ, नहीं तो नहीं होगी, ये तय बात है। ओ मास्टर के बच्चे। ओ आप आइए आइए बैठे ना। तुम जानते हो मेरी लड़की पुष्पा को? जी वाह, ये तो कोई पूछने की बात है, अब तो महीनों हो गए उन्हें पढ़ाते हुए। मैं सिर्फ ये कहने के लिए आया हूँ कि मैंने तुम्हें उसका उस्ताद बनाकर बड़ी हिमाकत की, तुम मेरे गाँव दियो पाजी हो, पर दर्जी के हमक दे। जी मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं समझा। बिल्कुल कुछ नहीं समझा, मैं ये पूछता हूँ कि मेरी लड़की खूबसूरत है? जी वो तो बहुत ही खूबसूरत है। कोई शरीफ आदमी उससे शादी करना पसंद करेगा? बड़ी खुशी से। तो फिर तुमने उसकी बेइज्जती क्यों की? बेइज्जती मैंने? मैंने नहीं की। तुमने, तुमने की उसकी बेइज्जती, तुमने उससे शादी करने से इनकार किया, एक तरह से मेरी भी तौहीन की। वही हुआ ना, कोई जवाब? अरे फूटो तो, कुछ मुंह से तो फूटो, चुपचाप क्या खड़े हो गधे की तरह? आप जो कुछ कहेंगे मुझे मंजूर। तो तुम्हें मेरी लड़की से ब्याह करना होगा। बहुत अच्छे। हाँ, अगर तुम्हें एक अल्लाह और देहाती लड़की और एक बेवकूफ शत्रु से नाता जोड़ने में कोई बोल। मुझे कोई एतराज नहीं है। शाबाश शाबाश मेरे बेटे, ये लो अठन्नी, हैं मुंह मीठा करना है? हाँ लागे।
धागे जब से नैन लागे हो जब से नैन लागे लागे जब से नैन लागे लागे जब से नैन लागे हो दिल तो गया क्या जाने उल्फत में क्या होगा आगे जब से नैन लागे हो जब से नैन लागे तो एक दिन लौट जाएगा हाँ एक झापड़ दूंगा कई बार मैंने तुझसे कहा कि मैंने छोड़ दिया सब मेरी जान ये घर और इसके साथ की जमीन का कब्जा लेने आया हूँ मेरे घर का कब्जा हाँ क्यों इसके बदले शंकर मुझसे कब्जा लेता रहा है ये झोपड़ा और ये जमीन दोनों मेरे यहाँ गिरवी है कल आखिरी दिन था उधार ली हुई रकम चुकाने का ये देख डिग्री लाया हूँ ये सब कुछ मैं नहीं जानती ये नहीं हो सकता ये घर ये जमीन शंकर के बाप दादा की है वो यही जी है यही मरे है इसे कोई नहीं छीन सकता इसे तुम नहीं छीन सकते हाँ आँख का लड़का कहाँ है माँ जी वो पिछले 6 महीने से कहीं चला गया है भाई जाएगा कहाँ वहाँ पहुँच गया होगा खबरदार मेरा दिल ये कहता है कि इस घर का जल्दी से जल्दी कब्जा लूँ और तुझे निकाल समझी भगवान के लिए कुछ देर तो ठहर जा जालिम मुझ बुढ़िया पर दया कर मेरा शंकर जल्दी आएगा तेरी पाई पाई चुका देगा मैं चाहने की राह नहीं देख सकता बुढ़ी मुझे अभी कब्जा लेना है इसी वक्त भाई तुमने जरा इसे समझा दो मेरा शंकर जल्दी आएगा हमारे सर छुप मुझे अफसोस है माँ कचहरी की इस डिग्री का क्या करूँ कानून के खिलाफ तो मैं नहीं जा सकता ना तो क्या तुम्हारा कानून यही सिखाता है कि मुझे से गरीब को घर से देख दे उसे खाई में ढकेल दे कानून में गरीब और अमीर का कोई फर्क नहीं होता माँ जी और फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ मुझे भी तो अपना फर्ज पूरा करना है ना अच्छा भाई करो अपना फर्ज पूरा करो
दे सभ्या, ये झोपड़ा और इसके आसपास की जमीन भी अगर बेच डालो तो मुश्किल से कर्जे की आधी रकम वसूल होगी, समझी? ले लो माजी, ले ले लो। डिग्री लाया था शंकर, डिग्री लाया था जी। शंकर भैया, भैया शंकर, ये ले अपने 300 रुपए। पहली बार मुझे देखेगी तो रोएगी।
मैं तो अपने हिस्से का रोना रो चुकी हूँ। तुझे ठीक मालूम है पारो, तू अपने हिस्से का रोना रो चुकी है। और नहीं सके। तो फिर ठीक है, तू अपने हिस्से का रोना रो चुकी है ना, अब आगे क्या होगा? आगे क्या होगा ये भैया से जाके बात करना, मुझसे क्या पूछता है? तू बड़ी चालाक है पारो। मैं चालाक नहीं, तू ही बुद्धू है शंकर। क्या बात है, ये सिंगार किसके लिए हो रहा है? जी चाहे तेरा भी अच्छे। चल बताओ ना कहाँ जा रही हो? अरे कहीं भी तो नहीं, मैं तो यही हूँ। तो फिर ये बनाव सिंगार कैसा? वो आ रहे हैं ना चंदा के रथ में। आप कौन हैं जी? वो लाला जी से मिलने आया हूँ। आप बैठिए ना, लाला जी अंदर होंगे, मैं उन्हें बुलाए लाता हूँ। आप कौन? मैं मिस पुष्पा और मिस पारो का मास्टर हूँ। मास्टर आप बैठिए ना, बच्चे बैठिए, मैं भी उन्हें बुलाए लाता हूँ। अरे तू तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यहाँ? अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं भाभी? तुझे न पहचानूं गांव के छते हुए बदमाश को, क्या करने आए यहाँ? मैं लाला जी से मिलने आया। लाल तेरे नौकर नहीं है जो तुझ जैसे बेहूदे के लिए अपना वक्त जाया करते हैं। मुझे उनसे एक बहुत जरूरी काम है भाभी। जी हाँ जरूरी काम ही तो होगा, तुझे ही भनक पड़ गई होगी हम लोग अमीर हो गए हैं, दूसरों की तरफ पैसे बटोरने आया है। ये बात नहीं है, मैं उनसे क्या मैं लगा रखी है, निकल जाए यहाँ से, निकल जा। मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ। मिलाऊं तुझे पारो से? बदमाश गुंडा जमाने भर का, निकल अंतर ही हड्डी पतली एक कर दूंगी, निकल जाए यहाँ से। मैं तुमसे कहता हूँ मैं एक बार पारो से मिलना चाहता हूँ। लल्लू मैं एक बार पारो लल्लू से मिलना चाहता हूँ भाभी। ये भाभी क्यों चिल्ला रही है, कोई आया है? कुछ भी जल्दी कर, जल्दी कर। हाँ बाप का घर समझा था जो चलाया अंदर, शराबी कहीं का। अगर मुझे शराबी कहा तो मुंह तोड़ दूंगा। अबे तू शराबी, तेरा बाप तेरे बाप का बाप। अरे 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 हाय हाय, ये के शंकर भैया, मैं पारो के लिए तुमसे मिलने आया था भैया। शंकर तुमने अपनी इज्जत तो मिट्टी कर दी, मगर दूसरों की इज्जत का तो ख्याल क्या कर कंबख्त। भैया मैं शहर में काम करता हूँ, तुम यकीन करो पारो मेरे। खबरदार जो पारो का नाम जबान से लिया, जबान खिंचवा दूंगा। जा अपना काला मुंह दूर कर यहां से। जगत नारायण, हे जगत नारायण। शंकर शंकर तो अंदर तो घर क्या है जैसे अखाड़ा समझ रखा है। कोई नहीं, कोई जरूर आए। अरे मैं कहती हूँ ऊपर जा, कोई नहीं है। मैं समझती थी भगवान, मेरे घर में इस तरह उजाला हो जाएगा, इसकी मुझे आशा न थी। होली में तूने क्या कुछ भर दिया, मेरा शक्कर मुझे दे दिया, साथ उसकी खुशियां भी दे दी। बस अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक प्रार्थना है प्रभु, ये सब कुछ मुझसे छीन न ले। मैं तुमसे ये कभी नहीं कहूंगी प्रभु कि शंकर को दुनिया भर का मालदार बना दे या उसे कोई बहुत बड़ा आदमी बना दे। मैं तो सिर्फ इतना कहती हूँ प्रभु कि उसे जो इज्जत दी है तूने,
उसको वापस मत लेना। उसके पैरों में इतनी शक्ति दो भगवान कि वो फिर न डगमगा। ये किसके आगे रो रही है माँ? शंकर। माँ अगर तुझको कुछ चाहिए ना तो जगत नारायण के पास जा, उसके पास बहुत धन है माँ, बहुत धन है उसके पास। इस पत्थर की मूर्ति से क्या मांगती है? तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। शंकर। हाँ शंकर, तूने ये क्या किया? मैंने आज फिर से शराब पी ली है माँ, मैंने आज फिर से शराब पी ली और 10,000 गाली दी उस बुड्ढे को सड़क पर खड़े होकर। मैंने क्या समझता है वो अपने आप को, क्या समझता? माँ उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया माँ, और तू रोती है? वो बड़े आदमी हुए तो क्या हुआ? शंकर भी तो कोई कुत्ता तो नहीं है माँ, वो भी तो आदमी है आखिर। मैंने दिन रात पारो के लिए शहर में काम किया है, मैंने दिन रात उसके लिए शहर में काम किया है, और अब वो लोग मुझे उससे मिलने भी नहीं देते। क्यों नहीं मिलने देते मुझको, बता ना क्यों नहीं मिलने देते मुझको? तेरे भाग में यही लिखा है। किसने लिखा है मेरे भाग में ये? उसने लिखा है जिसके आगे तू हाथ जोड़ जोड़ कर रोती रहती है। कान खोल कर सुन ले, आज से तू इस घर में नहीं रहेगा, समझा? ये बुढ़िया तो सटिया गई है मगर शंकर नहीं सटिया, वो तुझे अच्छी तरह जानता है। माँ ये जगत नारायण का दोस्त है, ये सब कुछ उसी को देता है, हमको कुछ नहीं देता। माँ मुझे आज उसके घर से इसीलिए निकलवाया है, इसीलिए मुझे दर दर की ठोकरें खिलवाई है माँ, यही मुझको शराब पिलाने वाला है। मैं आज नहीं हटूंगा माँ, मैं इसको गली में उठाकर फेंक दूंगा, मैं इसको टुकड़े टुकड़े करूंगा। ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, क्या बिगाड़ सकता है? मैं शंकर नहीं माँ, शंकर भगवान मेरे नान को माफ कर दे, मेरे बच्चे को माफ कर दे। वो हमारी क्यों नहीं सुनता है माँ? हमने ऐसा क्या किया है, हमने ऐसा क्या किया है माँ, हमने ऐसा क्या किया है? भगवान भगवान मेरे शंकर को माफ कर दो भगवान, वो बच्चे भगवान माफ कर दो, माफ कर दो। उज गए गम की हवा से, पड़ गया इसमें भी दाग, हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है, पीने को शराबे गम का निशाना है, हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है। एक खिलौना है तकदीर के हाथों में, दिल एक खिलौना है तकदीर के हाथों में, तकदीर के हाथों में मरने की तमन्ना है, जीने का बहाना है, पीने को शराबे गम दिल गम का निशाना है।
देते हैं दुआएं हम दुनिया की जफाओं को, दुनिया की जफाओं को। क्यों उनको बुलाएं हम, अब खुद को बुलाना है। पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। हंस हंस के बहारे तो शबनम को रुलाती है, हंस हंस के बहारें तो शबनम को रुलाती है, शबनम को रुलाती है। आज अपनी मोहब्बत पर दरिया को रुलाना है, आज अपनी मोहब्बत पर दरिया को रुलाना है। हम दर्द के मारों का इतना ही फसाना है। पीने को शराबे गम, दिल गम का निशाना है। शंकर, ओ शंकर, घर क्यों नहीं आया रे? बड़ा आदमी हो गया है ना, मेरी तरफ देखेगा फिर? क्या हो गया शंकर? पता नहीं क्या हुआ। बहुत से लोग ऐसे होते हैं पर जो अपनी मौत से पहले ही मर जाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूं शायद। शंकर, कैसी बातें कर रहे हो? ऐसी बातें मुझसे नहीं निकाला करती। और फिर देखो, आज मैं तुम्हें कितने दिन के बाद मिली हूँ। तुम मुझे नहीं मिल सकती। मैं अच्छी तरह जान गया हूँ तुम मुझे नहीं मिल सकती। नहीं शंकर, नहीं, ऐसी बातें मत कहो। अगर उससे ये थोड़ी होगा कि तुम मर जाओगी या मैं मर जाऊंगा, हम दोनों जिंदा रहेंगे और इस दुनिया में वही होता रहेगा जो ये ईश्वर चाहता है, वही होता रहेगा। तुम्हें क्या हो? मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता पारो, मैं अकेला नहीं लड़ सकता तो मैं क्या करूं? मैं उससे अकेला नहीं लड़ सकता। मैं भी बहुत रोया हूँ पारो, मैं भी बहुत रोया, मगर इससे कुछ नहीं होता, इससे कुछ भी नहीं होता। मैंने कितनी बार तुझसे मना किया उस बदमाश से घर न जाया कर, कल मुही मगर तुझे थोड़ी मानेगी, नहीं मानेगी, बोल क्यों गई थी? माँ, मैं कहती हूँ वो 10 बजे रात तक रही उस शराबी कबाबी घर में, आखिर वहाँ क्या कर रही थी? खिलौने खेल रही थी? तुम कुछ नहीं करोगे तो मैं चली जाऊंगी दरिया में, डूब मरूंगी। तो जा डूब मर, बखेड़ा खत्म हो रोज रोज का। वो मेरी बहन है, मैं उसे नहीं निकाल सकता। अच्छा, तो तुम अपनी चहेती को लेकर रहो, मैं अपनी बेटी के साथ मार के चली जाऊंगी। ख्याल बुरा नहीं है। तुम्हारे सिवा मैंने किसी को यूं बिकते नहीं देखा, एक सौतेली बहन के लिए। तुम लिख लो, वो तुम्हारा मुंह काला करके रहेगी, खानदान की नाक कटवा के रहेगी। पुष्पा की माँ, जबान संभाल कर बोल, तू अच्छी तरह जानती है जब वो बच्ची सी थी मैंने उसे गोद में लेकर पाला है। मैं उसका भाई ही नहीं, बाप और माँ भी हूँ। मैं उसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पुष्पा को। फिर भी अगर तू यही चाहती है तो मैं अपने हाथों से उसका गला घोट देता हूँ, अपने हाथों से उसे मार डालता हूँ। पार्वती, पारो, गई थी तू? क्यों गई थी तू? मुझे मार डालो भैया, भैया मुझे मार डालो।
पारो, तू शंकर के यहां जाना छोड़ दे, वो शराबी है। मैं उससे शराब छुड़वा दूंगी भैया। ये तेरे बस का रोग नहीं पारो। आज तक तूने किसी ऐसे आदमी को देखा है जो शराबी को सुधार सके? नहीं भैया, पर कोई जी जान से कोशिश भी तो नहीं करता, कोई उसे समझने का जतन भी तो नहीं करता भैया। सब एक ही बात जानते, उससे नफरत करना और उसे धुतकार कर निकाल देना, ये भी एक बीमारी है भैया। बीमारी का कारण दूर कर दो, वो खुद ही ठीक हो जाएगा। अगर कोई बीमार हो जाता है, हाँ तुम बहुत बीमार नजर आ रही हो। मेरा दिल कुछ आज ज्यादा ही डूब रहा है। शंकर कहाँ है चाची? ओ बैस के पास, सुबह से दवाई लेने। मुझे 5 रुपए दे, मेरी माँ बीमार है। भैया तू 5 रुपए की बात कर रहा है? मैंने 5 पैसे नहीं कमाए इस जिंदगी में। भैया तेरे को यकीन नहीं होता, अगर 5 रुपए मेरे पास होते तो मैं यहाँ बाहर बैठा हुआ मिलता तुम्हें, अंदर मिलता भैया। जो मेरे पास था वो तुझे दे दिया, जो मेरी माँ के पास था वो भी लाके तुझे दे दिया, और 5 रुपए देने से इनकार करता है जबकि मेरी बात बिस्तर पे पड़ी दम तोड़ रही है। उधार मुझसे मांगने आया जिसके मुंह पर उस दिन पैसे दे मारे थे, अब कहाँ गई तेरी वो पैसों की चमक धमक? माँ बीमार है। अरे तू बीमारी की बात करता है, अगर मर भी गई तो उसके कफन के पैसे नहीं दूंगा, समझा? दर्द है यार। माँ की तबीयत कैसी है? माँ की हालत भी बहुत खराब है शंकर। तू जा जल्दी से डॉक्टर को ले। मेरे पास एक कौड़ी नहीं है, डॉक्टर को कहाँ से लाऊं? अरे अब जो इतने पैसे थे वो कहाँ चले गए? सब कर दे चुका दी मैंने, पर क्या करूँ? नहीं नहीं पारो, नहीं मैं ये नहीं करूंगा। माँ की जान बहुत कीमती है। नहीं पारो, मेरी कहीं ज्यादा कीमती नहीं, तेरी ही मान है, मेरी भी तो मान है। पारो मैं तेरा हार कैसे ले जाऊं? मेरी डॉक्टर को लेकर चलकर माँ की हालत मेरी खराब है। रघु, अरे क्या बात है? मुझे जल्दी से दे दे रघु, मेरी जान निकल जा रही है, मुझसे दर्द नहीं सहा जाता रघु। तू तो पार हो गया शंकर। देख मेरी माँ बहुत बीमार है रघु, और मैं डॉक्टर को लेने जा रहा हूँ, मुझे जल्दी से दे दे रघु, मुझे जल्दी से दे दे। भगवान की मर्जी बेटी,
तुझे याद है शंकर क्या गाया करता है? हाँ चाची, मगर सुना दे बेटे, मैं ऐसे के से ऐसे के धुन पकड़ कर चले जाऊंगी। शंकर नहीं चाची, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती चाची। गा बेटे गा, मुझे कितना अच्छा लग रहा है, गा। मेरे दिल कहीं और जाए, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। है मेरे दिल कहीं और जाए, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई नया। ऐ मेरे दिल सही और कर, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी आशा के तारे न हो, चल जहां गम के मारे न हो, झूठी बहारों से क्या फायदा, जिसमें दिल की कली जल गई, जख्म फिर से हरा हो गया। ऐ मेरे दिल कहीं और जाए, चार आंसू कोई रो दिया, के मुँह कोई चल दिया, चार आंसू कोई रो दिया, फिर के मुँह कोई चल दिया, फिर के मुँह कोई चल दिया। लुक रहा था किसी का जहां, देखती रह गई ये जमीन, चुप रहा बेरहम आत्मा। है मेरे दिल कहीं और चल, शंकर ए शंकर उठा या नहीं, चलो उठो उठो। क्या है बे? तेरा न जाने कब से जगा रहा हूं तुझे। क्या वक्त हो गया होगा? शाम होने वाली है, तूने कहा था ना डॉक्टर के पास जाना है तुझे। हाँ डॉक्टर। मेरी मां मर गई।
मेरी माँ मर गई पर निकाल ही लिया मैंने, इसी महीने में निकाल लिया, आज से ठीक 14 दिन बाद। ये तो ठीक है पंडित जी, लेकिन दो लड़कियों के लिए एक ही मुहूर्त अच्छा रहेगा? क्यों नहीं, अवश्य अच्छा रहेगा, मैंने जो निकाला है। क्यों जी, तुम क्या कहते हो? मैं पुष्पा और पारू की शादी इसी महीने में तय कर रही हूँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो जाए अच्छा है। शादी तुम ठीक कर रही हो और पूछ मुझसे रही हो, मैं कोई पुरोहित थोड़ी। लेकिन बाबूजी शादियां तो दो हैं, तो दक्षिणा भी तो दो ही मिलनी चाहिए ना मुझे। तुम्हें और क्या चाहिए? अरे इनकी बातें छोड़िए पंडित जी, फिर ये तारीख ठीक रही ना? रही। पुष्पा अब तो खुश हो गए ना? पुष्पा शादी जो तय हो गई हमारी। हाँ, किसी की शादी किसी की बर्बादी, क्या है ये दुनिया। दामन पे लगा लिया है उसे तुम कभी नहीं मिटा सकती। दाग, चांद के चेहरे पर भी तो दाग है पुष्पी, क्या उसके कारण वो बुरा लगता है या और भी अच्छा? वो पुष्पी क्यों रो रही है? पुष्पी मत रो, पुष्पी पुष्पी। चांद एक देवा की चूड़ी की तरह टूटा हुआ, हर सितारा बेसहारा मेरी जी के तड़पना, जा हवा तू
गए हैं आंखों के झरने, लूट लिया हमें दावे जिगर ने, सूख चुके हैं आंखों के झरने, लूट लिया हमें दावे जिगर ने, भूल नहीं ये जख्म खिले हैं, भूल नहीं ये जख्म खिले हैं, आत्मा तैयार है, आत्मा तैयार है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशिया बर्बाद है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशिया बर्बाद है। मौसम दुखों का सर पर है छाया, मुझसे जुदा है खुद मेरा साया, मौसम दुखों का सर पर है छाया, मुझसे जुदा है खुद मेरा साया, हम हैं अकेले गम के हैं मेरे, दर्द की फरियाद है, कोई नहीं मेरा इस दुनिया में आशिया बर्बाद है। इस लड़की के मारे नाक में दम आ गया। आज शादी का दिन है और यहाँ बैठी रो रही है, चुप रहती है नहीं? माँ भगवान के लिए बुआ को कुछ मत कहो, बेचारी बहुत दुखी है। क्या कहा, टूट पड़ा इसका जरा मैं भी तो सुनूं। तुम नहीं समझोगे माँ। चुप रह, कल की छोकरी मुझे आई है समझाने, दुनिया में कौन ऐसा भाई होगा जो सौतेली बहन के लिए इतना कुछ करेगा। इतना अच्छा खानदानी लड़का ढूंढा है उन्होंने कि सात जन्म में ऐसा बार नहीं मिलेगा इसको, तब सुना दो। मिला। बात यह है कि वो आदमी जो है ना ज्यादा पैसे मांगता है। तो ये लो पाकट, देखो इसकी एक खुराक से आंव का दर्द, पांव का दर्द, हेजे का दर्द, भेजे का दर्द, कलेजे का दर्द, 1000 दर्द बंद हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, अगर ये दवा थोड़ी सी ज्यादा हुई तो बस 15 मिनट में दिल का दर्द यानी कि दिल की टक टक जो होती है ना एक साथ बंद हो जाएगी। मेरा मतलब है कि दूसरी दुनिया का टिकट लेना पड़ेगा, माफ करना है। हीरा लाल, किसी से कहना नहीं। तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो, बिल्कुल बेफिक्र रहो। लड्डू फूट रहे होंगे। अरे वो लड्डू बाहर, चलो बाहर, सारी ये बारात। अरे चलो चलो चलो। बुआ, Thank you.
काहे को देर लगाई रे, आई नाब तक बाल मां, हमने तो जान गवाई रे, आई नाब तक बाल मां, काहे को देर लगाई रे, आई नाब तक बाल मां। बदनाम हुई हंसती है सारी खुदाई रे, आई नाब तक बाल मां, काहे को देर लगाई रे, आई नाब तक बाल मां। Bye.
जल्दी जाओ पकड़ो उसे। बेकार है पुष्पा। मैंने जहर पी लिया है। जहर? क्या बात हो? वो जहर नहीं था, सिर्फ जौ का आटा था। जौ का आटा? हाँ, मैंने बदल दिया था उसे। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख माँ। मैं हूं शंकर, मैं कुछ भी नहीं कर सका हूं माँ, मुझसे कुछ नहीं हो सका माँ, मैं कुछ भी नहीं कर सका। मुझे अपने साथ ले चल माँ, मेरा अब यहां कोई नहीं है, मेरा यहां कोई नहीं है माँ, मेरा यहां कोई नहीं है माँ, नहीं शंकर, मैं जरूर तेरी शंकर, मैं जरूर तेरी शंकर, शंकर, शंकर मैं जरूर तेरी, मैं तो हर वक्त तेरी राह देखती रहती हूँ, दिन रात तेरे लिए आंसू बहाती रहती हूँ बावले। मुझे मौत करनी है पारो, मुझे मौत करनी है। शंकर, शंकर तू मर गया तो मैं किसके सहारे जिंदा रहूंगी? शंकर, शंकर, मेरी तरफ देख शंकर, मैं पारो तू मुझे जानता नहीं, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, प्यार करूंगी शंकर, मैं इस घर में तेरे साथ रहूंगी, मैं तेरे बच्चों की माँ बनूंगी शंकर। पारो तुम मुझसे प्यार करेगी, तू इस घर में मेरे साथ रहेगी पारो, तू ठहर जा पारो, मैं भी आता हूँ। अच्छा तू ठहर, रखो, रखो, रखो। बोला है, मैं दरवाजा खोल रखू, मैंने दुकान बंद कर दी, अब शराब का या फूल पीने नहीं मिलेगा। क्या है? मुझे मुझे मेरी माँ के कंगन वापिस दे दे रघु। किस लिए? वो मैं पारो को दूंगा। पारो को? हाँ रघु, मेरी उससे शादी हो रही है। लेकिन पारो की शादी तो किसी और से हो रही है। नहीं, मुझसे हो रही है रघु, मैं सच कहता हूँ। अरे पागल तो नहीं हो गया? मैं पागल नहीं हूँ, वो आज खुद ही मेरे पास चले रघु। अब मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है रघु, और अगर तू इस वक्त मेरा हाथ थाम लेगा ना तो मैं जिंदगी भर तेरा एहसान नहीं भूलूंगा दोस्त। रघु मैं अपनी माँ की सबन खा के कहता हूँ कि मैं दिन रात काम करके तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु, मैं सच कहता हूँ तेरी एक एक पाई चुका दूंगा रघु, इस वक्त मेरी मदद कर दोस्त। और मैं समझता था इस दुनिया में प्रेम नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, मैं समझता था ईश्वर मर चुका है रघु। जानता है आज वो मुझसे क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकती,
कोई मुझ जैसे दलील आदमी से भी इतना प्यार कर सकता रघु? ले, इसके बदले में तुझसे कभी एक पैसा भी नहीं मांगूंगा शंकर। मेरी तरफ से ये तुम दोनों की शादी का एक तोहफा समझ लेना। तू जैसा आदमी जो है ना, ईश्वर। जा, अब जा तू। बैठ जल्दी जा, वो तेरा इंतजार कर रही हूँ शंकर। समय जाता हूँ। जा। अरे पारो, पारो, भैया मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, भैया मुझे छोड़ दो। मेरा मुंह काला हो रहा है भागिनी, मेरा मुंह काला हो रहा है। मैं आ गया हूँ। शंकर, मैं कहता हूँ चला जाए यहाँ से, कहता हूँ चला जाए यहाँ से। भैया तुम मुझसे नाराज मत हो, मैं तुम लोगों को सच कहता हूँ, मैं वो पहले जैसा शंकर नहीं हूँ। कमीने, मेरी इज्जत पे कीचड़ उछालने आया है। मैं कहता हूँ सीधी तरह चला जा, वरना मारे जूतों के तेरी खोपड़ी तोड़वा दूंगा। मुझे मार लो भैया, जो तुम्हारे जी में आए कह लो, मगर पारो को मुझसे मत। निकल जाए यहाँ से। देखते क्या हो, खालू दे दो इस कमीने की। उठा शंकर, चला जाओ, निकल जाओ। कसरत गर्दन तोड़ दे इसकी, लाश उठाकर फेंक के मार, मैं जिम्मेदार हूं। अपना काम शुरू कीजिए, आइए जल्दी बैठिए, आइए। ये शादी अब नहीं होगी जगत नारायण जी, जी। मुझे क्षमा कीजिएगा। उठो बेटा। ठाकुर साहब, ऐसा न कीजिए, भगवान के लिए मेरी इज्जत बचा लीजिए। ठाकुर साहब, आपकी इज्जत से ज्यादा मुझे अपनी इज्जत का ख्याल है देवी जी, क्षमा कीजिएगा। चलो बेटा। ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, डॉक्टर को लेकर अभी आता हूं।
मेरी माँ के कंगन है पारो। जानती सस्ते हैं मगर मैं कुछ और ला ही नहीं पाया। देखो मेरी चाची से कंगन को सस्ता कहा तो मारूंगी। तू मुझको मारेगी? कहती अगर आज से कोई अल्लम पल्लम बात की ना तो लकड़ी लेके वो पीटूंगी वो पीटूंगी वो पीटूंगी के याद करो। शंकर भैया क्या देख रहे? आजकल अपने तो बड़ी कड़की चल रही है तो मैंने सोचा कि अपना भैया भी कड़की में होएगा। समझे एक अद्दी तो दे भैया को शादी की खुशी में। कहीं और